हेलो दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फंड्स इन इंडिया। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह के फंड का जिक्र है। ठीक है, सबसे पहले है कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये आर्टिकल 266 के अंदर आता है। ठीक है, और दूसरा फंड है कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये आर्टिकल 267 के अंदर आता है। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया की, कहीं से भी पैसा आएगा तो वो इसी फंड में आएगा, और अगर गवर्नमेंट ने कोई भी पैसा निकालना है तो वो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से ही निकलेगा। देखिए, अगर भारत को किसी दूसरी कंट्री की हेल्प करनी है, ठीक है, फाइनेंशियल हेल्प करनी है, तो वो पैसा जो है वो इसी फंड से जाएगा। ठीक है, और अगर इंडिया ने लोन लिया किसी देश से तो उसकी किस्तें जो हैं वो भी यहीं से कटेंगी। ठीक है, तो वो भी कहाँ से कटेंगी? कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से। तो ऐसे ही अगर हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात करें, तो ये फंड जब कोई इमरजेंसी आ गई, जब कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से देश में कोई मुसीबत आ जाती है, लैंडस्लाइडिंग होगी, भूकंप हो गया, अर्थक्वेक होगी, ठीक है, तो इन सिचुएशन में कंटिजेंसी फंड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उस जगह पे जो लोग हैं, जैसे कि भूकंप हो गया किसी जगह में, ठीक है, वहाँ के जो लोग हैं उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको फूड देना, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज़ देनी, तो तब इस्तेमाल किया जाएगा कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ओके, उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि प्रेसिडेंट जो है उसी के पास अथॉरिटी है कि वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकता है। ठीक है, और उसको निकालने के लिए परमिशन किसके चाहिए होगी, अथॉरिटी किसके चाहिए होगी? पार्लियामेंट की। अगर बाई चांस प्रेसिडेंट नहीं है तो पैसे कौन निकालेगा? तो प्रेसिडेंट के बिहाफ में पैसे निकाल सकता है फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, पार्लियामेंट नहीं निकालेगी, कौन निकालेगा? ये पैसे निकाल सकता है फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है, किसके बेस में? प्रेसिडेंट के बिहाफ में। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये फंड्स इन इंडिया आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।